विश्वास वही रफ्तार नई। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। कोरोना से हमारी कई आदतों के साथ ही कई सेक्टर्स में खासा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारत समेत दुनिया भर की सरकार कोरोना को हराने के लिए मुमकिन कदम उठा रही है। खास बात यह है कि कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर के कारोबार पर निगेटिव असर पड़ा है। दुनिया भर के अधिकांश होटल रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है। कई देशों में एयरलाइंस कंपनियों का कारोबार प्रभावित हुआ है, टिकट कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन कोरोना के कारण कई बदलाव आने जा रहे हैं, उसमें हमारी लाइफस्टाइल भी शामिल है। दरअसल कोरोना के कारण भारत के साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में पहुंच गई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कमी आई है। खास बात यह है कि कोरोना के फैलने से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करने को जरूरी बताया गया है। इस लिहाज से देखें तो आने वाले दिनों में लोगों की आवाजाही, खाने पीने के तौर तरीके, घूमने फिरने, सामाजिक मेल जोल और वर्क कल्चर पर खासा असर पड़ने जा रहा है। भारत के लिहाज से देखें तो भारत की आबादी ज्यादा है, ऐसे में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन रेलवे, मेट्रो और बसों को चलाने वालों को साफ सफाई पर अतिरिक्त फोकस करना होगा। लॉन्ग ट्रिप्स के लिए सरकार नए नियम बना सकती है। हमारे लिए हेल्थ गाइडलाइंस को फॉलो करने को जरूरी बनाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोरोना के कारण स्कूल कॉलेजों में छुट्टी दी गई है, कहीं ना कहीं इससे आने वाले दिनों में वर्चुअल क्लासेस को बढ़ावा मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए स्टडी फ्रॉम होम को जरूरी कर दिया जाएगा। कर्मचारी ऑफिस जाने के बजाय वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो देंगे। शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में हेल्दी मेजर्स अपनाने पर खासा जोर दिया जाएगा। कुल मिलाकर यह है कि कोरोना के कारण कई तरह के बदलाव होंगे, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा और सावधानी भी बरतनी होगी, ताकि आने वाले दिनों में कोरोना जैसा कहर देखने को ना मिले। इस खबर में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभातखबर.com। विश्वास वही रफ्तार नहीं।